नमस्कार, मैं काजल द्विवेदी आपका स्वागत करती हूँ केकेआर न्यूज़ में। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। नसरुल्लागंज तहसील के ग्राम चिच वासियों ने तहसील कार्यालय आकर एक आवेदन SDM DS तोमर को सौंपा। कहा गया कि 28 एवं 29 अगस्त को जो तेज वर्षा के कारण जो बाढ़ आई थी उसमें हम गरीबों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, रहने लायक नहीं रहे। हमें अभी तक कोई सहायता राशि नहीं मिली है। हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाए या उचित सहायता राशि दिलवाई जाए ताकि हम अपना जीवन दोबारा सही से गुजार सकें। राकेश कटारे के साथ सैकड़ों ग्रामीण महिला पुरुष मुख्य रूप से उपस्थित थे। नसरुल्लागंज से चांदमिया की रिपोर्ट। आज हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया है कि ये जो बाढ़ में लगातार 3-4 दिन पानी हमारे यहाँ भरा रहा और ऊपर से जितनी भी अधिक बारिश हुई, इससे जो कच्चे मकान थे, जो घास फूस के हमारे लोगों के मकान थे जिनको झुग्गियां नहीं मिली अभी तक, जो प्रधानमंत्री आवास का उनको लाभ नहीं मिला, उनका जो जैसा तैसा मकान था वो इस बारिश के होने से पूर्ण तरीके से नष्ट हो गया है। तो हमने SDM साहब को ये ज्ञापन दिया है कि उसका सर्वे किया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको झुग्गी दी जाए, आवास दिया जाए। इसकी आज हमने मांग की है और इसके हिसाब से हमने यहाँ पर ये ज्ञापन दिया है। मैंने कहा आपने किन किन लोगों से की? सर मैंने सेक्रेटरी, सरपंच, सचिव तीनों से की, इसके बाद में जनपद से भी की, जिलाधिकारी से की। पर्सनली मैंने CM साहब आए थे भ्रमण के लिए जो बाढ़ के संबंध में, तब मैंने CM साहब से शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं मिले सर आवाज योजना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी की सारी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।